KTM के ऑल न्यू जनरेशन RC390, RC200 और RC125 के कुछ इमेज आउट हो चुके हैं, तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि ये बाइक कब तक लॉन्च हो रही है, प्राइस कितना हो सकता है और क्या कुछ नया फीचर इसमें देखने को मिल रहा है, साथ ही इसमें कौन कौन से कलर में इस बाइक को KTM लॉन्च कर सकती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। KTM ऑल सेट हो चुकी है अपने RC लाइनअप को न्यू जनरेशन में अपग्रेड करने के लिए। कल KTM न्यू जनरेशन की RC390 का डिटेल्स लीक हुआ था, वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। बट आज KTM के न्यू जनरेशन RC200 और RC125 का भी डिटेल्स आउट हो चुका है, जिसका क्रेडिट जाता है यदु कृष्णन को, जिन्होंने ये डिटेल शेयर किया है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था RC390 का, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि ये वीडियो कहाँ से, ये इमेज कहाँ से आउट हुआ है और कैसे करके ये इमेज को आउट किया गया, लीक किया गया है, तो आप लोग वो वीडियो को जरूर देखें। तो अब चलिए मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चेंज आपको RC के तीनों बाइक में देखने को मिलेगा, वो है न्यू कलर स्कीम और ग्राफिक्स। साथ ही इसमें कुछ न्यू फीचर को भी ऐड किया गया है। KTM के ऑल न्यू जनरेशन RC390, RC200 और RC125 में पहले ज़्यादा बेटर राइडिंग परफॉर्मेंस मिलने वाला है। KTM के न्यू RC125 और RC200 में न्यू चेसिस बोल्ट ऑन सब फ्रेम को ऐड किया गया है। साथ ही इसमें पहले से ज़्यादा बड़ा फेयरिंग और न्यू बॉडी पैनल मिल रहा है। इन दोनों न्यू RC200 और RC125 में हेडलैम्प को भी रीडिजाइन किया गया है। इसके अलावा दोनों मॉडल में न्यू अलॉय व्हील और टॉलर विंड स्क्रीन और मस्कुलर फ्यूल टैंक को भी दिया गया है। वहीं इसके राइडिंग पोजीशन में भी चेंजिंग किया गया है। इन दोनों में पहले से ज़्यादा हैंडल बार को थोड़ा ऊपर किया गया है और राइडर और पिलियन दोनों के फुट पैक्स को थोड़ा सा आगे की साइड लगाया गया है, जिससे पिलियन और राइडर दोनों को अब ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। न्यू जनरेशन RC125 एंड RC200 दोनों में हेलोजन बल्ब दिया गया है और टेल लैंप में LED का यूज किया गया है। वहीं RC390 की बात करें तो इसमें आपको फुल्ली LED का सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट हेडलाइट में भी आपको LED देखने को मिलेगा, इसके टेल लाइट में भी आपको LED बल्ब देखने को मिलेगा और इसके इंडिकेटर में भी आपको LED देखने को मिल जाता है। तो आपको RC390 में फुल्ली LED का सेटअप देखने को मिल जाता है। KTM की तरफ से ये चीज़ आपको RC390 में दिया जा रहा है। लीक हुई इमेज से ये क्लियर हो जाता है कि RC200 में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जो कि आपको RC390 में भी दिया जा रहा है। सेम वो चीज़ें दिया जा रहा है, तो आप 390 वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बताया हुआ है। बट RC125 में ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो पाया है कि इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा या नहीं, बट उम्मीद ये है कि इसमें भी आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल सकता है। वहीं KTM के नेक्स्ट जनरेशन RC390, RC200 और RC125 के कलर की बात करें तो RC125 में आपको दो कलर देखने को मिलता है। पहला कलर मिलता है वो है ब्लैक विथ ऑरेंज हाईलाइट और जो सेकेंड कलर है वो है व्हाइट विथ ऑरेंज हाईलाइट। वहीं RC200 में भी आपको दो कलर ऑप्शन मिलता है, व्हाइट ऑरेंज और एक है ब्लैक ऑरेंज। वहीं RC390 के कलर की बात करें तो इसमें आपको लिमिटेड कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एक ही सिंगल पीस आपको कलर देखने को मिलता है, जो कि डुअल टोन कलर सेट में दिया गया है ब्लू और ऑरेंज का। तो ये तीनों में आपको ये कलर देखने को मिल रहा है। वहीं और कुछ चेंजिंग के बारे में बात करें तो RC125 में जो एग्जॉस्ट है उसको साइड में माउंट किया गया है, जबकि RC200 में अंडर वैली एग्जॉस्ट दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो RC200 और RC125 के फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है, साथ ही इन दोनों में डुअल चैनल ABS भी दिया जा रहा है। वहीं दोनों मॉडल के फ्रंट में इन्वर्टेड फोक सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक यूनिट को लगाया गया है। इंजन की बात करें तो तीनों मॉडल में सेम इंजन मिल रहा है जो पहले आपको मिलता था। RC125 में आपको 124.7 cc का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो 14.5 bhp के पावर और 12 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करती है। वहीं 200 की बात करें तो RC200 में आपको 199.5 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल वाला इंजन देखने को मिलता है, जो 24.6 hp का पावर और 19.2 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करती है। वहीं RC390 की बात करें तो इसमें आपको 373.3 cc का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिल रहा है, जो 43 hp का पावर 36 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करती है। और इन तीनों मॉडल में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। तो वहीं इन तीनों मॉडल के प्राइसिंग की बात करें तो अभी जो करंट मॉडल का प्राइस है RC125 का, उसका 180,000 है, RC200 का 280,000, RC300 का 277,000। तो वहीं न्यू जनरेशन की बात करें तो बताया ऐसा जा रहा है कि इन तीनों मॉडल का प्राइस यही जो अभी चल रहा है वही सेम होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली KTM ने इनके प्राइस को 11,000 तक इंक्रीज किया था। बट उम्मीद ये भी है कि इसका प्राइस KTM फिर से इंक्रीज कर सकती है, तो आने वाले टाइम में आपको या तो इसी प्राइस रेंज में ये तीनों ऑफर किया जाएगा या फिर कुछ इसमें 10 से 15,000 और प्राइस को इंक्रीज करके आपको ये बाइक ऑफर की जाएगी। तो वहीं अब मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक को इंडिया में कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि ये बाइक इस मंथ के एंड तक इस बाइक को लॉन्च कर दिया जाएगा और 90% चांस है कि इस बाइक को 15 अगस्त के दिन लॉन्च किया जाए, क्योंकि उस दिन फेस्टिवल टाइप का
का एक सीज़न होता है, तो इसलिए सारी जो कंपनी है, मैक्सिमम कंपनी हुई है, वो 15 अगस्त को अपनी बाइक मॉडल को लॉन्च कर रही है। तो उम्मीद ये भी है कि इस दिन KTM भी अपनी न्यू जनरेशन की RC जो लाइनअप है उनको लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं अभी जो न्यू जनरेशन वाली RC की कौन सी मॉडल आपको ज़्यादा बेस्ट लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।